हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आपने भी एसएससी फेज़ 9 का फॉर्म फिल कर दिया है और आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को एसएससी फेज़ 9 की वैकेंसी के लिए आपको किस बुक से प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपके लिए कौन कौन सी बुक जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहेंगी, तो इसके बारे में मैं आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ओके, सो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो स्टूडेंट, आप लोग बुक को देखने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोगों का सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स का रहेगा, एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो कि ये भी 50 मार्क्स का होने वाला है, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एंड इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 200 मार्क्स के होंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन में रहेगी। अगर आप रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रीजनिंग के लिए आपके लिए ये बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगी जो कि डॉक्टर RS अग्रवाल की है। तो इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मेरे पास एक और बुक है जो आपके लिए, ये बुक जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग की, ये भी बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। ये भी डॉक्टर RS अग्रवाल की है, तो आपके लिए रीजनिंग के लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। तो आप इसमें से रीजनिंग की प्रिपरेशन जो है वो ईजिली कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करें जो कि जनरल अवेयरनेस है, तो इसमें आपका GK एंड करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो GK के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये लूसेंट की बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, तो आप इसमें से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये अरिहंत पब्लिकेशन की ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है इंग्लिश की, तो आप इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। एंड स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करें कि मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आप किस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो जैसा कि आप ये बुक देख सकते हैं डॉक्टर RS अग्रवाल जी की है, तो ये बुक आपके लिए मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, तो आप इस बुक से मैथ्स की प्रिपरेशन जो है वो ईजिली कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। और हाँ, एक और बुक मेरे पास है जो कि आप ये बुक देख सकते हैं, इस इंग्लिश की बुक में आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे इंग्लिश हिंदी में कैसे, तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें जो सेंटेंस रहते हैं कुछ हिंदी एंड कुछ इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाती है, तो ये बुक उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनको इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से नहीं मतलब क्लियर हो पाती है, तो इस बुक को पढ़ के वो इजीली उनकी इंग्लिश जो है वो अच्छे से क्लियर हो सकती है, आप अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास ये सारी बुकें, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट में मिल जाए जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकें, यानी कि आपको एक ही बुक में सारी चीज़ें मिल जाए थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में, ओके, तो आपके लिए ये बुक बेस्ट ऑप्शन होने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एसएससी फेज़ 9 के लिए मैट्रिकुलेशन लेवल की है, ओके, तो आप ये बुक ले सकते हैं, इसमें तो मैट्रिक लेवल पे है, लेकिन हाँ मतलब अगर आपने ट्वेल्थ लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे फिल किया है तो आप थोड़ा सा मतलब डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं अलग अलग सारी बुक्स ले करके, ओके, तो अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो इसमें सारी चीज़ें, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश वगैरह सारी चीज़ें आपको एक ही बुक में मिल जाएंगी, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होगी, आप लोगों ने फॉर्म भी फिलअप करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी, ओके, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी हो रही होगी और आप लोग अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से देंगे, ओके। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो स्टूडेंट, थैंक यू।